इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में आपको थोड़ा मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। आपको हर चीज का डिस्क्राइब में इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका यूज क्या आएगा वो आपको पता लगा दूंगी। सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर KTM के अंदर लाइट वेट बनाया है, एक्सेलरेशन पावर अच्छा है, स्पोर्ट्स बाइक है, इसके अंदर बैलेंसिंग कंट्रोलिंग होना, ब्रेकिंग मोड होना, मजबूत होना बहुत जरूरी चीज है। जितना गाड़ी एक्सेलरेशन पिकअप करती है इसको कंट्रोलिंग और बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए गाड़ी ने इसको पूरी गाड़ी को अपने लाइटवेट बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे KTM में जो दिया है ट्रेली चेसिस यूज करा हुआ है जो कि ड्यूअल पार्ट में चेसिस बनाया गया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है सर, कभी आपने टेलीफोन टावर या फिर टेलीफोन टावर या एफिल टावर देखा होगा जो एक लाइट वेट बना हुआ है, लार्ज स्केल में बना होता है, वो एक एल्यूमिनियम सीमेंट का बना हुआ है लाइट वेट और बैलेंसिंग के लिए। तो कंपनी ने वो चेसिस यूज करा है इसके अंदर जो इस प्रकार का प्रोग्राम मिल जाएगा। और ड्यूअल चेसिस है, इसका बेनिफिट ये है सर, अगर इन केस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक चेसिस बहुत जल्दी कम समय में जल्दी बदल जाता है इसके अंदर आपको, इसका ड्यूअल चेसिस दिया हुआ है और ट्रेली चेसिस यूज करा गया है लाइट वेट और बैलेंसिंग के लिए। इसके बाद में अपन आते हैं गाड़ी के ब्रेकिंग मोड के ऊपर। ब्रेकिंग मोड के अंदर आप जाना चाहेंगे तो सबसे पहले तो ABS डिस्क ब्रेक दे रखा है, ड्यूअल डिस्क ब्रेक हर बाइक में आता है, लेकिन KTM भी ड्यूअल डिस्क ब्रेक यूज करता है लेकिन लेफ्ट हैंड एंड की कॉम्बिनेशन यूज करता है। आप यहाँ देखेंगे अगर इसको आपको लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है तो रेयर वाला जो आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको राइट हैंड डायरेक्शन में मिलेगा। इसके पीछे रीजन ये है सर, गाड़ी स्टेबिलिटी में मिलेगा, हर बाइक में आपको राइट हैंड डायरेक्शन में मिलता है लेकिन KTM के अंदर आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये गाड़ी की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। ओके, और ब्रेकिंग मोड मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक दे रखा है ये 230mm का रेयर में मिलेगा और 300mm का आपको फ्रंट में मिलेगा। ड्यूअल ABS है, ABS आपको दिखेगा पीछे सेंसर है, फ्रंट पे भी ABS प्लेट लगी है। शॉकअप इसके अंदर शॉकअप यूज करा गया है WP कंपनी का, इनवर्ट शॉकअप यूज करा गया है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप जानना चाहेंगे सिल्वर पोर्शन आपको नीचे दिखेगा, ब्लैक पोर्शन आपको ऊपर दिखेगा। अदर बाइक में आप देखोगे आपको सिल्वर पोर्शन हमेशा ऊपर दिखता है, ब्लैक पोर्शन नीचे दिखता है। इस शॉकअप को कहते हैं WP कंपनी का, नंबर वन कंपनी का शॉकअप कंपनी है, इसका यूज करा गया है। इसका बेनिफिट क्या, इसका बेनिफिट ये है सर, ये तो 43mm का डायमीटर है, प्लस इसके अंदर जो इनवर्ट शॉकअप को इसलिए करा गया है कि जर्क कहां से आता है, नीचे से आता है, तो ये चीज इंसर्ट होती है तो राइडर अनबैलेंस नहीं होता है, स्टेबल रहता है। ओके, WP कंपनी का नंबर वन जो स्पोर्ट्स सेगमेंट में यूज होता है 43mm का डायमीटर। उसी प्रकार से वो सस्पेंशन मोनोशॉक WP यूज करा गया हुआ है, मोनोशॉक जो रेयर शॉकअप दे रखा है। इसके बाद में आप देखेंगे एल्यूमिनियम डाइकोस्टेड स्विंग आर्म दिया गया है, अदर कंपनी इसको यूज नहीं करती है, ये पूरा मेटल का बना रहता है, एल्यूमिनियम डाइकोटेड रहता है ये, इसका ये सिंपल लैंग्वेज में झूला कह सकते हैं, पूरे व्हील जो रेयर व्हील रहता है उसको पूरा बैलेंस करता है। ओके, इसके बाद में आप आते हैं हेलोजन लैंप, किस कंपनी ने इसके अंदर आपको जो देखना है हेलोजन लैंप यूज करा गया है। कंपनी ने 250 के अंदर स्लीपर क्लच यूज कर रहा है, इसका टर्निंग पॉइंट पे बहुत बड़ा यूज होता है, आप जानते ही हैं स्लीपर क्लचेस के यूजेस, कंपनी ने स्लीपर क्लचेस यूज कर रखा है। दोनों फ्रंट का टायर आपको MRF का मिलेगा, रेयर का भी आपको MRF का मिलेगा। पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इंजिन मेंटेन है, गाड़ी अनबैलेंस ना हो, तो KTM का जो इंजिन है पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगा हुआ है। जो मीटर दिया है वो डिजिटल मीटर दे रखा है, इसके अंदर आप क्या चाहते हैं वो सब आपको उसमें क्वालिटी मिलेगी। इसके अंदर सबसे पहले आप जाएंगे तो साइड स्टैंड साउथ दिखाएगा आपको, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, अगर आप गाड़ी अगर फर्स्ट गियर में लेते हैं और साइड स्टैंड ओपन करना भूल जाते हैं तो आपकी गाड़ी एक्सीलरेट नहीं होगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है जब तक आप साइड स्टैंड बंद नहीं करते हैं। तो एक ये प्रिकॉशन दे रखा है इसके अंदर, चेक भी बोलते हैं गाड़ी अननेसेसरी अगर आप भूल जाते हैं तो एक्चुअली आपको गिरने का चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको किलोमीटर शो करेगा, यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग शो करेगा, फर्स्ट गियर ट्रांजिशन, सेकेंड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स गियर ट्रांजिशन बाइक में दे रखे हैं, तो सिक्स गियर आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर आपको किलोमीटर यूज दिखाएगा, यहाँ पे आपको ओडो दिखाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 सेक्शन दे रखा है कि आप कितने किलोमीटर कितने मिनट में चले हैं, तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको शो करेगा।
इसके अलावा इसके अंदर आपको एक सर्विस रिसेट भी दिखाया गया है। कितनी एवरेज स्पीड से, कितने ट्रिप में आप कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हैं वो आपको ही शो करेगा।